वो भी धर्म के नाम पे राजनीति करते करते तानाशाह बन गए, बर्बाद कर दिया जर्मनी को, बर्बाद कर दिया। इसे बोलना नहीं चाहिए, बहुत बहुत चिंता वाली बात है। तो वही सचिन पायलट ने एक बार फिर पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में कथित भ्रष्टाचार के जांच की मांग की है। इसी को लेकर सचिन पायलट जन संघर्ष पदयात्रा निकाल रहे हैं। अजमेर से जयपुर तक ये पदयात्रा होगी। आज पायलट ने कहा, हम बीजेपी सरकार के कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर जनता के बीच गए हैं, फिर हम चुनाव जीते हैं लेकिन जांच अभी तक नहीं हुई। पायलट ने साथ ही पेपर लीक मामले पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिना जांच के ये कैसे कह दिया गया कि कोई अफसर इसमें शामिल नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि आरपीएससी का अफसर पेपर लीक मामले में गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला। मौन व्रत रखा और एक दिन का अनशन किया। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, पर सचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक एक महीने पहले 11 अप्रैल की बात है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच गठित नहीं हुई। साथियों, राजनीति में जबान की कीमत होती है। और अब बात जोधपुर की, जहां पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सचिन पायलट की यात्रा के बहाने कांग्रेस को घेरा, तो सीएम अशोक गहलोत की ओर से पीएम पर किए गए ट्वीट पर भी बड़ा बयान दिया। सुनिए क्या कहा। चलते पार्टी सत्ता में आई, उसके लिए उनके उद्गार सुनकर के अब मेरे मन से सारे ग्रंथियां समाप्त हो गई। जब उनके लिए ही उनके मन में इस तरह के भाव है, तो मेरे और अमित शाह जी के लिए, जिन्होंने उनके पुत्र को यहां हराया, जिन्होंने उनकी पार्टी को पूरे देश भर में सब जगह से समेट करके बिल्कुल कोने में खड़ा कर दिया, उनके लिए उनके मन में इस तरह के भाव होना स्वाभाविक है। लेकिन जब उन्हीं की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनके पूर्व पीसीसी अध्यक्ष, जब वो खुद ही इस बात पर जो है मजबूर होकर के, और वो पैदल यात्रा करने के लिए, अपने बात को सुनाने के लिए, गूंगी बैरी सरकार को जगाने के लिए अगर वो यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, मुझे लगता है कि सब कुछ ऐसा स्पष्ट हो जाता है जैसा आईने में दिखाई देता है। उस मंच पर जिस तरह के राजनीतिक वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने जिन विषयों को स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री जी के कथन का जवाब नहीं दिया था उन्होंने, तो व्यापक स्तर पर व्यापक रूप में जो बात कही, उस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी उपस्थिति में राजनीतिक बयान नहीं देना चाहिए सरकारी कार्यक्रम में, तो मैंने कल भी कहा था कि आप अपने पिछले, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दूर जाएंगे तो शायद मैं वर्षों तक के बयान गिना सकता हूं, लेकिन पिछले 7 दिन के राहत शिविर, वो राहत है या आहत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन उन राहत शिविरों में आपने सरकारी कार्यक्रमों में किस तरह के भाषण दिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं या हम सब के लिए, तो वो मीडिया में सारे कार्यक्रम में, मुझे लगता है कि अब तो कैबिनेट की बैठक में भी उसी विषय पर चर्चा करते होंगे। और अब बात नागौर की, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे दौरे पर रहे। इस दौरान खरनाल में राजे ने जाटों को साधने की कोशिश की। इस दौरान खरनाल में वसुंधरा राजे ने तेजाजी